जैन, कल हम आपको रूट यानी जड़ के बारे में बता दिए थे, आज हम आपको रूट के आगे समझाते हैं तना के बारे में। तना क्या चीज होता है? तना को हम लोग सामान्य भाषा में शाखाएं कहते हैं, ब्रांचेज कहते हैं, यही होती है तना। तो चलिए हम लोग समझते हैं तना के बारे में। तना जो होता है बाबू, ये पौधे जो भी जड़ होता है, जो सीड हो गया, मतलब ये जड़ है, ये सीड, किसी भी सीड के जो अंदर ऊपर का भाग होता है, ऊपर निकलने वाला भाग, उसको हम लोग कहते हैं पलमूले। तो ये निकलता है पलमूले से, जो भी तना होता है ये तना पलमूले से निकलता है, और जबकि जड़ जो था वो रेडिकल से निकला था। तो ये रेडिकल से नहीं निकलता है, ये निकलता है पलमूले से। तो पहला ये समझिएगा कि इसका विकास कहाँ से होता है, प्रांकुर या पलमूले से, बीज के ऊपरी भाग से इसका विकास होता है। अगर हम कहेंगे कि ये किधर की ओर जाता है, क्या ये जियोट्रॉप यानी नीचे की ओर जाता है, तो नहीं, इसलिए इसमें क्या लिख देते हैं, निगेटिव। क्या ये फोटोट्रॉपिक प्रकाश यानी सूर्य की ओर जाता है, तो येस यानी पॉजिटिव। तो फोटोट्रॉप में ये पॉजिटिव और जियोट्रॉप में ये निगेटिव हो जाता है तना। इसकी मेन विशेषता क्या होती है, तनाव पर गांठ पाया जाता है। आप बड़े बड़े पेड़ के पे देखिए ना, जगह जगह गांठ रहेगा वहाँ पर, तो उस गांठ को हम लोग नोड और इंटर नोड कहते हैं। कहेगा कि किसी भी चीज़ के तना होने का प्रमाण कैसे चलता है, क्या प्रूफ है कि वो तना है, तो तना की सबसे बड़ी प्रूफ क्या होती है कि उस पर नोड और इंटर नोड यानी गांठ पाए जाते हैं, उसी गांठ से दूसरी तनाएँ निकलती हैं आगे जाकर। अगर उस तना यानी पेड़ को, क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में कि पेड़ को सर्वाधिक हानि कब होगी, पत्तियां गिरा देने पर या छाल छील देने पर, तो तना यानी छाल को छील देंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जबकि पत्तियां गिराने पे भी लॉस होगा लेकिन उतना लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पतझड़ के मौसम में तो पेड़ पौधे खुद ही पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो पौधों को सर्वाधिक लॉस यानी सबसे ज़्यादा क्षति किससे होती है, अगर हम तना को छील दें तो उस तना छीलने से सर्वाधिक क्षति होती है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? अब हम तना के प्रकार समझते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि तना का विकास किससे होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, प्रांकुर से। देखिए ध्यान से इमेज में, ये बीज है, बीज के ऊपर का जो भाग होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर, और नीचे के भाग को कहते हैं मूलांकुर। धीरे धीरे प्रांकुर भी निकलता है, मूलांकुर भी निकलता है। पहले मूलांकुर निकल गया, नीचे ये जड़ बनाएगा और हल्का सा ये हरा वाला प्रांकुर का रूप लेगा। यही धीरे 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 धीरे, ये देखिए प्रांकुर ऊपर गया तो ये हो गया प्रांकुर, और नीचे गया तो मूलांकुर। समझ में आया? तो ये तना का विकास होता है उससे। अब हम तना के प्रकार को समझते हैं, तना कितने प्रकार का होता है। देखिए तना जो होता है वो बेसिकली तीन प्रकार का होता है। अभी आप तना समझ गए, अभी आप थोड़ा सा और बढ़िया से समझिए तना के बारे में। देखिए ये जो आप पेड़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घना है, तो ये भी तना है बाबू, ये जो दिख रहा है ये भी तना है, ये भी तना है, ये भी है, बहुत सारे इसमें तना होते हैं। अगर आपसे कहेंगे कि संख्या में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पत्तियाँ होती हैं भाई छोटी छोटी संख्या में, लेकिन मेन हिस्सा किस चीज़ का होता है, तना का होता है। आप इसमें देखिएगा पूरा ब्रांचेज, हरा वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, इसमें हरा हरा जो पत्तियाँ दिख रही हैं, तो बाकी सब तो तना है। इसमें तनाएँ कुछ मोटी तना होती हैं, शुरुआत का तना मोटा होता है जिसे हम लोग सिल्ली या ब्रांच कहते हैं, वो आगे जाके और पतली होती हैं, उसके और आगे जाइएगा तो लाठी जैसा हो जाएगा, और पतला होगा तो छड़ी जैसा हो जाएगा, और पतला होगा तो आदमी उसी से दतवन करने लगता है, तो दतवन भी क्या है, तना है। और मोटा मोटा जो काट के जिसका बेंच चौकी बनाया जाता है वो भी तो क्या है, तना है। तो तना समझ में आ गया ना, निकलता है कहाँ से, मूलांकुर से, और कितना मोटा जा रहा है ये डिपेंड करता है। तनाव पर नोड एंटी नोड जरूर पाया जाएगा, यहाँ भी देखिए आप जगह जगह गांठ देखेंगे, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगे गांठ, इस इमेज में भी देखिएगा तो आपको गांठ दिखेगा साइड साइड में, उसी गांठ से अन्य ब्रांचेज निकलते हैं। तो कहेगा जैसे आप ही से कह देगा कि कोई भी चीज़ तना है इसका प्रमाण दीजिए, तो उस पर नोड है या नहीं है इसी से प्रमाण दिया जाता है। अब हम तनाओं के प्रकार के बारे में समझते हैं, तना कितने प्रकार का होता है। देखिए तीन प्रकार के तना हम समझते हैं। सबसे पहला तना जो होता है एरियल स्टेम यानी वायवीय तना, वैसा तना जो जमीन के ऊपर वायु में रहता है उसे हम वायवीय तना कहते हैं। 95% पेड़ पौधों में, या कह लीजिए कि 95% से ज़्यादा पेड़ पौधों में जितनी तनाएँ यानी स्टेम होते हैं वो ज़मीन के ऊपर हवा में होते हैं, वायवीय होता है। आप आम का पेड़ देखिए पूरा हवा में, नीम का पेड़, केला का पेड़, बांस देखिए, हर चीज़ देखिएगा तो हवा में ही रहता है ज़्यादातर। 95% पेड़ पौधों के तना जो होते हैं वो एरियल होते हैं, वायवीय होते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नीम, बरगद, आम, जामुन, जितना पेड़ देखें 95% में नहीं समझ में आ रहा आपको कितना, पूरा लगभग चीज़ इसी में आ जाएगा। हाँ 1-2% होते हैं सेमी एरियल। सेमी एरियल मतलब होता है अर्धवायवी। अर्धवायवी मतलब उनका जो उस पेड़ का
80% एरिया ऊपर होगा, 20% नीचे घुस गया होगा, यानी उस तना का ज़्यादातर हिस्सा ऊपर होगा, लेकिन तना जड़ तो नीचे जाता ही है, जड़ के साथ साथ तना का भी कुछ भाग जमीन के नीचे घुस जाए तो उसे कहते हैं अर्धवाहिनी, जिसमें दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, एक आता है घास, दूसरा आता है जलकुंभी। घास तथा जलकुंभी को हम लोग अर्धवाहिनी में रखते हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो घास जो दिखता है, तो इस घास जो होते हैं सब, तो ऊपर से आदमी घास को काट लेता है, समझाया, ऊपर से घास को काट लीजिएगा तो तना तो नीचे रह गया, फिर घास निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो घसकटनी होती है सब, वो खुरपस देती हैं सब, खुरपी से, तो खुरपी से जो खुरपस देती हैं सब, तो फिर घास नहीं निकल पाता है, क्योंकि पूरा का पूरा तना काट के लेके चली गई, तो पूरा तना नहीं काटना चाहिए, हंसुआ से घास को काट लेना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होता है, समझ में आ गया। तो ये हो गया जलकुंभी, आप देखे होंगे पानी में हो जाता है, जलकुंभी पूरा भर जाता है, जिससे पानी में गंदगी भी आ जाती है। देखिए ये जलकुंभी है, आप गांव वगैरह में देखे होंगे जलकुंभी, मोटा मोटा पत्ता होता है, चौड़ा चौड़ा, उसको नोच के हटाया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं जाने देता है नीचे की मछलियों को। तो ये जलकुंभी का भी कुछ भाग ऊपर होता है, कुछ नीचे ही रह जाता है। तो ये भी न ये पूरी तरह हवा में है कि हम इसे वायवीय कह सके, और न ये पूरी तरह जमीन में है कि इसे हम भूमिगत कह सके, ये बीचे में है, तो इसे कहते हैं अर्धवायवीय, समझ में, अर्धवायवीय तना। अब तीसरा प्रकार का जो तना होता है उसे हम लोग कहते हैं भूमिगत तना। तो आप वायवीय देख लिए, अर्धवायवीय देख लिए, अब देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। देखिए आपके दिमाग में ना एक चीज बैठा हुआ है कि जमीन के अंदर गया मतलब वो जड़ है, ऐसा नहीं है। जमीन के अंदर गया जड़ तभी है अगर वो हचाक से नीचे गया है, तब हचाक से हम समझाए थे कोना निकला रहेगा तभी जड़ है। अगर वो जमीन के अंदर गया और उसमें कोना नहीं निकला है, हचाक से अंदर कोना नहीं निकला है, तो वो जड़ नहीं है, वो तना है, समझ में। एग्जाम्पल आलू, ओल, आलू और ओल देखेंगे ना, उसका उसमें कोना नहीं निकला होता। आप देखिए इमेज में हम दिखा देते हैं, ये आपका आलू, आलू होता है, ये हो गया पोटैटो, ओल, और एक होता है सोरम बोलते हैं इसको, वेजिटेबल, सोरम वेजिटेबल, ओल बोलते हैं इसको, ये गला काटने लगता है ओल को, इसमें ओल वगैरह। तो ये आलू और ओल, देखिए इसमें आपको कहीं कोना वोना नहीं दिखेगा, अगर कोना कोनी नहीं दिखा तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, तना है। इसमें नोड और इंटरनोड दिखते हैं, गांठ, आलू में भी दिखिएगा ना, तो जहां तहां आपको धब्बा धब्बा धचकल पचकल कुछ कुछ दिखेगा, वही होता है गांठ, वहीं से पंछा फेंकेगा फिर। तो ये क्या है, भूमिगत तना है। जमीन के अंदर अगर हचाक से कोना बना लिया तो जड़ है, और कोना नहीं बनाया तो वो तना है। और एग्जाम्पल में आप देखेंगे आलू ओल के बाद अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो अदरक और हल्दी, अदरक हल्दी में भी कोना नहीं होता है इस, और वो भी जमीन के अंदर होते हैं, तो वो भी क्या है, भूमिगत तना है, कोना नहीं है, उसमें नोड और इंटरनोड है। आप अदरक हल्दी का इमेज देखिएगा तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या अदरक है, इसमें आपको कहीं कोना नहीं दिखेगा बल्कि नोड और इंटरनोड दिखेंगे। देखिए जहाँ जहाँ गांठ है, इसी गांठ से ये निकल गया, इस तरह उंगली टाइप का बना गया, तो ये हल्दी अदरक है। क्वेश्चन आया था एक बार SSC में कि अदरक एक तना है क्यों, तो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ था क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, समझ में गया। हल्दी में भी देखिएगा तो कहीं पे भी कोना नहीं निकला रहेगा, उसमें गांठ निकला रहेगा इधर उधर। आप कच्चा हल्दी भी देखे होंगे छठ वगैरह में, तो पूजा के भी काम आता है हल्दी, तो ये तो सूखी हल्दी है, कच्चा हल्दी तो अदरक के समान ही दिखने लगता है, लगभग लगभग कच्चा रहेगा तब, तो ये भी क्या है, आपका तना है। और तना का एग्जाम्पल देखेंगे तो तना के और भी एग्जाम्पल आते हैं सब, लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज भी जमीन के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसमें भी नोक ओक नहीं निकला रहता, इसलिए वो भी जड़ नहीं है, वो क्या है, तना है। उसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा आप ध्यान से देखिए, लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज में भी कहीं कोना नहीं होता। आप कहिएगा कि सर क्या है, कोना दिख तो रहा है, अरे भैया ये कोना नहीं है, इसी में से इसकी पत्तियां निकली थी सब, देहात में इसी को चोटी बांध के टांग दिया जाता है ऊपर सिकहर पे, ऐसे चूल बांध के टांग दिया जाता है, तो ये तो इधर से इसका क्या निकला था, पत्ती, उसको काट दिया गया था कि जगह ना ले, कोना थोड़ी है। प्याज में भी देखिएगा तो ऊपर से सग्गा प्याज होता है, ठंडी के दिन में जो कच्चा प्याज निकलता है ना, तो ऊपर का काट के उसका सब्जी बना दिया जाता है, ऊपर वाले हिस्सा का, तो इसमें भी कोना वगैरह नहीं निकला है, ऐसे फैल गया है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का तना है। तो तना के प्रकार समझ में आ गया आप लोग को, कितने प्रकार का तना हो गया, तीन प्रकार का, पूरी तरह हवा में गया वायवीय, जितने बड़े पेड़ है वायवीय, घास जलकुंभी अर्धवायवी, आलू ओल,
देखिए ग्रुप में याद रखिएगा, आलू ओल ये खाने वाला भाग है, आलू ओल, अदरक हल्दी मसाला का काम करता है, लहसुन प्याज ये भी मसाला का काम करता है, ये लगभग लगभग सेम दिखते हैं सर लहसुन प्याज, मतलब कहने का सेंस समझ रहे ना, सेम थोड़ी ना है कि एकदम लगभग लगभग मिलते हैं, अदरक हल्दी लगभग मिलता है, आलू ओल लगभग मिलता है, तो याद करने में बड़ी आसानी है। ग्रुप में तीन गो ग्रुप, पहला आलू ओल, अदरक हल्दी, लहसुन प्याज, तीनों ग्रुप याद रखें। अब इन ग्रुप का भी एक ठो अलग नाम है, क्या नाम है तो देखिए ध्यान से, वैसा तना जो खाने वाला भाग जिसमें ज्यादा रहता है उसे कंद कहते हैं, खाद्य वाला भाग जिसमें ज्यादा रहे उसे क्या कहते हैं, कंद। इसमें क्या हो जाएगा, आलू और ओल, आलू ओल में खाने वाला भाग ज्यादा रहता है तो आलू ओल क्या हो जाएगा, कंद। जिसमें गांठ ज्यादा रहे, गांठ ज्यादा रहेगा उसे कहते हैं प्रकंद। अदरक और हल्दी किसमें जाएंगे, प्रकंद में, और जिसमें पानी की ज्यादा मात्रा रहे उसे कहते हैं सलकंद। सलकंद में जल की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसमें क्या क्या हो जाएगा, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज। तो तना तीन भाग में, कंद, प्रकंद और सलकंद, तना तीन भाग में नहीं, भूमिगत तना तीन भाग में। कंद नहीं सुने होंगे पहले इतिहास में, कंद मूल खाकर, तो खाने वाला भाग जिसमें रहेगा वो कंद, आलू ओल, गांठ ज्यादा रहेगा प्रकंद, अदरक हल्दी, जिसमें पानी ज्यादा रहेगा उसे क्या कहेंगे, सलकंद। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लहसुन और प्याज। अब समझ में आ गया आपको तना कितने प्रकार के हो जाते हैं। अब हम आपको एग्जांपल इमेज दे के बता पूछते हैं, आप बताइए कौन होंगे। जैसे ये देखिए, ये क्या है, खाने वाला भाग इसमें ज्यादा है तो ये तो भूमिगत तना ही है, खाने वाला ज्यादा है तो इसलिए क्या है भैया, कंद है। और इसको कहेंगे तो इसमें गांठ ज्यादा है, गांठ ज्यादा होने की वजह से प्रकंद है। इसमें क्या है भैया, जल की मात्रा ज्यादा है इसलिए क्या है, सलकंद है। आप समझ में आ गया आप लोग को तना के बारे में, तना क्या होता है, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पत्तियों के बारे में बताएंगे, फिर पत्ती के बाद फल बताएंगे, फल के बाद से आपको फूल, फूल के निषेचन, परागण के, ये सब के बारे में, बॉटनी के बारे में समझाएंगे। समझ गए होंगे, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जय हिंद।